देश में मजदूरों पर बढ़ते शोषण के खिलाफ मजदूरों की देशव्यापी आम हड़ताल जो आगामी 28 एवं 29 मार्च को आहत है। इसके पूर्व रविवार को एटक के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जहां हड़ताल की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। देश में लागू किए गए 4 श्रम कोड, किसानों के 6 सूत्री मांगे, पुरानी पेंशन योजना को लागू किए जाने, सरकारी उपकरणों के निजीकरण पर रोक लगाने जैसे मांगों को लेकर देश के तमाम ट्रेड यूनियन एवं किसान संगठनों ने मिलकर 28 एवं 29 मार्च 2022 को 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा कर चुकी है। पूरे देश में खास करके 4 लेबर कोड जो लागू होगा, उस लेबर कोड में संशोधन किया गया है, जिसमें ग्रेच्युटी एक्ट में संशोधन है, आपका पेमेंट एक्ट में संशोधन है, फैक्ट्री एक्ट में संशोधन है, बोनस एक्ट में संशोधन है। ये तमाम चीज़ों में संशोधन करने के बाद मजदूरों के बीच में, मजदूरों के पक्ष में कुछ रह नहीं जाएगा। मजदूर एक तरह से समझ लीजिए कि गुलाम बन जाएंगे और उसमें मालिक की मनमानी बढ़ जाएगी। मालिक पर डिपेंड करेगा कि कितना तारीख को वेतन भुगतान करेगा, कितना आदमी को रखेगा, कितना आदमी को नहीं रखेगा। एक तरह से दिहाड़ी मजदूर बनाने का तैयारी पूरे देश में चल रहा है। इसके साथ साथ बैंक की स्थिति अच्छी नहीं है, LIC की स्थिति अच्छी नहीं है, PF का ब्याज दर देख लीजिए कि सरकार घटा दिया, तो सब तरफ से मजदूरों पर मार है। इस महंगाई में जो वेतन मजदूर को मिल रहा है उससे घर चलाना मुश्किल है, और इन्हीं चंद सवालों पर, इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर के आज सेमिनार का आयोजन किया गया था आम बगान मैदान में, जिसमें इंटक के लोग, सीटू के लोग, AITUC के लोग, सारे संयुक्त ट्रेड यूनियन के लोग थे उपस्थित होकर के 28-29 के हड़ताल को कॉल दिया है। हम लोग हड़ताल में 28-29 को उतरेंगे। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।